गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई, बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं, शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े तमिलनाडु में 0 सीट आई, 84 में लड़े 0 सीट आई, 89 में लड़े 0 सीट आई, 91 में लड़े 0 सीट आई, 96 में लड़े 1 सीट आई, 2001 में लड़े 4 सीट आई, 2006 में लड़े 0 आई, फिर 2011 में लड़े 0 आई, 2016 में लड़े 0 आई, 41 साल 42 साल। तो डू इट द बिल, आप बोले दे रहे हैं पे कितना बोला इन लोगों ने। यहाँ पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल, केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। सर ये गलत, फिर भी आप बोले रहे, गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट दिल्ली का बिल है, दिल्ली के बिल पे बोले, रिपीट ना करे, दिल्ली के बिल पे बिल पे बोले। यहाँ ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, 2012 में 10 साल पहले तो ये बिल है, बातें तो दो ही उत्तर प्रदेश पे, तो बिल दिल्ली के लिए, दिल्ली का बोले। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए, इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने, 73 सीटों पे लड़े, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई।